हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर शो जिसका नाम है मैं खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटिफुल, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंकिता। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सुंदरता पे। वैसे तो हम रोज़ ही बात करते हैं ब्यूटी, स्किन, हेल्थ, इन सब पे हम बात करते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर। जी हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है लेज़र और ऐसी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम और भी सुंदर दिख सकते हैं और भी अपनी खूबसूरती को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें इसको अगर हम जादू कहें, मिरेकल कहें, मैजिक कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे आप बिल्कुल बदल जाएंगी, अपनी खूबसूरती को ऐसे निखारेंगी और कुछ दिनों में आप पाएंगे अपने में वो निखार, और पहचानने से भी कुछ कुछ बदल जाएगा, महसूस नहीं होगा कि शायद ये मैं ही हूँ। जी हाँ, ये सब जादू, ये सब मिरेकल हो पाएगा लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू, और इसी के लिए आज हम आ चुके हैं द ग्लो क्लिनिक में। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर प्रभा सिंह से। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए, नेचुरल ब्यूटी तो भगवान की देन होती है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को ऐसे मार्क्स हो जाते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, मुहासों के दाग हो जाते हैं और झाई हो जाती हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कैसे लोगों को इससे मुक्त कराती हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करती हैं? अंकिता, जैसे तुमने कहा कि जो गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है उसे हमें सहेज कर रखना चाहिए, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म के साथ ही कुछ दाग मिलते हैं हमें, जिन्हें बर्थ मार्क्स कहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंट होने से, चोट लगने से या मुहासे होने से भी दाग बन जाते हैं। ये दाग आज की, अभी कुछ दिनों पहले तक हम ये मानते थे कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग मानसिक रूप से तैयार करते थे बच्चों को, उनको, कि इनके साथ ही जीना है ठीक से। लेकिन अब जो नया एडवांसमेंट है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जिसमें स्पेशली लेज़र का नाम लेना चाहूँगी, लेज़र की मदद से हम इन दागों को भी ठीक कर सकते हैं। 90% से 95% तक हम इन दागों को हटा सकते हैं। इसमें अगर जिक्र करूं तो बर्थ मार्क के लिए जो मेनली लेज़र यूज़ किए जाते हैं, उसमें क्यू स्विच एंडियाग लेज़र होता है, जो बहुत विशेष प्रभावी है काले रंग के और डार्क कलर के जो बर्थ मार्क्स होते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो रेड कलर के बर्थ मार्क्स होते हैं, उनको हम लोग हेमेंजियोमास कहते हैं, उनके लिए वैस्कुलर लॉन्ग पल्स एंडियाग लेज़र होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो इस तरह के जो टेक्सचरल प्रॉब्लम वाले स्कार्स होते हैं, जैसे इंजरी स्कार है या मुहासों के जो गड्ढे हो जाते हैं फेस पे, या जलने से अनइवन स्किन हो जाती है, इनमें स्पेशली CO2 लेज़र, अर्बियम याग लेज़र, और उसमें एक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है फ्रैक्शनल लेज़र, इसका उपयोग किया जाता है, और उसको 4 से 6 सिटिंग्स में ही हम लोग 80-90% तक आसानी से ठीक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें आपको एडमिट नहीं होना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में आपको भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में, स्टिचेस होते हैं, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, वो सब इसमें नहीं होता है। ये OPD प्रोसीजर है, आप क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करवा के वापस अपने घर जा सकते हैं, तो घर की कन्वीनियंस के साथ आप इन ट्रीटमेंट को आसानी से करवा सकते हैं, और यंग एज में भी आप इनको करा सकते हैं। 12-13 साल की उम्र से ही हम लोग बर्थ मार्क को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। तो एक, जब तक बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके मन में हीन भावना पनपने से पहले ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि अभी आपने बात की मुहासों की, तो टीन एज में जब बच्चे 16वें साल में आते हैं, 14 साल के एज में जब बच्चे आते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, मुहासे निकलते हैं इनको, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अनदेखा करते हैं कुछ हद तक। उनका मानना होता है कि ये सबके साथ होता है, इट्स अ कॉमन थिंग, तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये किस हद तक सही है, और आप अपनी क्या राय रखती हैं इस बात पर? अंकिता, तुमने बहुत ठीक कहा, मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल की उम्र के, और वो मुहासों से बहुत परेशान होते हैं, कंसंट्रेशन उनका डिस्टर्ब हो रहा होता है, और जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि हम काफ़ी दिन से अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं, बट पेरेंट्स कहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, इनको छोड़ दो। मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है कि मुहासे निकलना बंद हो जाएंगे 1-2 साल के बाद, लेकिन उसके जो दाग बन जाते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं, और मेरे पास 45 से 50 साल की उम्र में भी लोग आए हैं जो उस दाग से खुश नहीं हैं, और वो इतने साल बीतने के बाद भी
हीन भावना से ग्रस्त हैं और उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो क्यों ना उसको पहले ही, बनने से पहले ही ठीक कर दिया जाए। तो वो तभी संभव है जब हम मुहासों पे रोक लगाएंगे। अगर हम मुहासों को कंट्रोल कर सकें, उनको निकलने से रोक सकें, तो ऑटोमेटिकली दाग बनेंगे ही नहीं। वो पहली अप्रोच होनी चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसमें मेरा पहली चीज़ तो ये है कि मुहासे निकलते हैं, ये बात सही है, 90-95% बच्चों को टीनेज में मुहासों से दो चार होना पड़ता है। तो पहला काम ये करना चाहिए कि उस एज में आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए। ये ठीक है कि हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, तो डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके फेस वॉश ठीक करने से और उन सब चीज़ों से, होम केयर से नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक्सपर्ट की सलाह, स्किन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और उसमें दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर की सलाह से सेवन करना चाहिए। फेस पे क्या लगाएं क्या ना लगाएं, ये डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। आप अगर यूं ही विज्ञापन देख करके और यहाँ वहाँ मैगजीन्स में पढ़ के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक्सपर्ट की सलाह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीनेज में आजकल बच्चे फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे बहुत निर्भर रहते हैं, हेल्दी फूड कम लेते हैं। तो जो इंटरनल सिस्टम का डिस्टरबेंस होता है वो डेफिनेटली मुहासों को बढ़ाता है। तो उनको अपने भोजन में फलों सब्जियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, और साथ में पानी का प्रयोग करें काफ़ी मात्रा में। उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो एक हार्मोनल है, जेनेटिक पैटर्न होता है बच्चों में, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं। इसमें हम लोग कॉस्मेटिक, एज एन कॉस्मेटिक कंसल्टेंट जो ट्रीटमेंट मैं देती हूँ, पहली चीज़ उनका करेक्शन करते हैं हम लोग लाइफस्टाइल का, सोने जागने का टाइम ठीक होना चाहिए उनका। इसके सिवा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में केमिकल पील्स होते हैं, माइक्रोडर्मा अब्रेजन होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके ऑयल सिक्रीशन को कम कर देते हैं। डॉक्टर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया कि टीनेज में जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो बहुत कॉमन होती है, उसका ट्रीटमेंट भी आप करते हैं, आप बताती हैं उनको कि कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा, जो पिंपल्स के दाग हो जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है लोगों को उससे भी। और आपने जैसे कि हमें बताया कि 45 ईयर्स के बाद भी लोग उस बात को देखते हैं, झेलते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं, तो वो उन दाग धब्बों से कैसे आप छुटकारा दिलाती हैं, क्या ट्रीटमेंट करती हैं? देखिए, मुहासों के जो दाग बन जाते हैं उनको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ माइल्ड जो स्पॉट्स हैं उनको हम केमिकल पील और माइक्रोडर्मा रेजिन की मदद से ठीक कर सकते हैं। जो ज़्यादा बड़े और गहरे गड्ढे होते हैं उसमें हमें डर्मा रोलर और पिक्सल लेज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लेज़र स्किन रीसरफेसिंग करता है और साथ में जो त्वचा के अंदर पाए जाने वाले रेशे होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जिनको कहते हैं, उनकी रीमॉडलिंग करता है। मतलब वो नए सिरे से प्रकृति उन्हें बनाती है जिससे वो गड्ढे भर जाते हैं। तो इसको 4-6 बार करवाना पड़ता है इस प्रोसेस को। अगर हल्के दाग हैं तो 1-2 बार में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया 4-6 बार तक करवाना पड़ता है। तो डर्मा रोलर और लेज़र, पिक्सल लेज़र की मदद ली जा सकती है इसको ठीक करने के लिए। डॉक्टर, जैसे हम खूबसूरती की बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, टीनेजर्स भी चाहती हैं, गर्ल्स भी चाहती हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखें। 45-60 प्लस भी लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि वो सुंदर दिखें, लेकिन एक एज के बाद फेस पर झाइयाँ पड़ने लगती हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। अंकिता, तुमने कहा झाइयाँ और रिंकल्स, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। रिंकल्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जब स्किन हमारी लूज़ होने लगती है तो उसमें झुर्रियाँ पड़ती ही पड़ती हैं, पर झाइयाँ नेचुरल चीज़ नहीं है। झाइयाँ बन रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की स्किन सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो बाहर जाते हैं तो उनको झाइयाँ अमूमन पड़ ही जाती हैं। दूसरा, आजकल ये देखा गया है कि पहले की अपेक्षा अब झाइयों के परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। अब हर दूसरी लेडी को आप पिगमेंटेशन या झाइयों से ग्रसित देखेंगे। तो इसमें मैंने ये पाया है कि जो लाइफस्टाइल है हमारा, इसमें लॉट ऑफ टॉक्सिन्स और जो प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग,
उनका काफ़ी योगदान होता है। तो झाइयों को सिर्फ क्रीम की मदद से और नहीं ठीक कर सकते हम लोग, इसमें हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो एक प्राकृतिक हमारा तरीका है ठीक करने का, उसमें हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिसमें लिवर क्लिंजिंग की मदद से हम बॉडी के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी केमिस्ट्री को करेक्ट करते हैं। तो जब वो करेक्ट हो जाता है, उसके बाद केमिकल की पील की मदद से जब या लेज़र की मदद से जब ऊपर से झाइयों को हम हटा देते हैं, तो वो दोबारा रिकरेंस नहीं होता है, दोबारा झाइयाँ नहीं बनती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम बाहर से कुछ क्रीम या कुछ भी प्रयोग करेंगे दवाइयों का, तो वो एक बार तो हट जाएगी लेकिन वो दोबारा फिर बन जाएगी, क्योंकि वो बॉडी को हम अंदर से नहीं ठीक कर रहे हैं। और इस यहाँ पे भी लाइफस्टाइल का यस, कि उसको आप अगर अपना खान पान ठीक रखेंगे, फलों सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो आपको इन समस्याओं से कम परेशान होना पड़ेगा। इसके अलावा जो तुमने रिंकल्स की बात की, रिंकल्स में यस डेफिनेटली वी नीड एडवांस ट्रीटमेंट्स, जिसमें बॉटलिनम और फिलर्स का नाम आता है नंबर वन पे, जिसकी मदद से हम विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स झुर्रियों को गायब कर सकते हैं। और ये एडवांस टेक्निक्स हैं। इनके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात करें झुर्रियों के मामले में, तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी, जैसे तुम्हें पता होगा कि नींबू और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, विटामिन ई आपका स्प्राउटेड मूंग में काफ़ी अच्छा होता है। तो स्प्राउटेड मूंग अगर ले रहे हैं आप डेली अपने ब्रेकफास्ट में, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम को भी ठीक रखेगा, साथ में आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलता रहेगा। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल्स की बॉडी में होते हैं कई बार प्रेगनेंसी में, मीनोपॉज के टाइम, उसका भी बहुत रोल है झाइयों में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं फाइटोइस्ट्रोजेंस की मदद से। और झुर्रियों को भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं अगर हम अपना खान पान ठीक रखें, पानी खूब पिए और गुस्सा ना करें। कहते हैं कि जैसे आप एक्सप्रेशंस देंगे वैसे ही लाइनें बनेंगी आपके फेस पे, तो खुश रहेंगे तो अच्छी लाइनें बनेंगी और फेस आपका प्लेजेंट दिखेगा, और गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो नेचुरली माथे पे वो परमानेंट लाइनें बन जाएंगी। डॉक्टर, देखा गया है कि सुंदरता धीरे धीरे एक एज के बाद कम होती रहती है, ऐसे में वुमेन्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे दाग है, यहाँ झुर्री पड़ रही है, सुंदरता कम हो रही है, लोग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो अपनी ब्यूटी को मेनटेन करें, कैसे क्या करें, आप क्या सजेस्ट करेंगी? अंकिता, देखो, एजिंग तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हम सबको उससे गुजरना ही पड़ेगा जी। तो एक कहावत थी, पहले एज ग्रेसफुली, तो जब तक हमारे पास कोई और चारा नहीं था तो एज ग्रेसफुली हम बोलते थे, लेकिन अब जब हम उसको ठीक कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, तो डेफिनेटली उनकी मदद ली जा सकती है। और प्रिवेंशन का भी यहाँ पे रोल है, अगर आप खुश रहेंगे, डेली कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, हेल्दी फूड लेते हैं, हाइड्रेशन ठीक रखते हैं अपना, समय पर सोते हैं और जागते हैं, तो नेचुरली आप अपने उम्र से के साथ होने वाले जो डैमेज है बॉडी का, वाइटल ऑर्गन्स का एज वेल एज स्किन का, उसको पोस्टपोन करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको नहीं होगा, लेकिन वो पोस्टपोन किया जा सकता है बाय राइट करेक्ट लाइफस्टाइल। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो हुआ है उसमें कुछ जो डायनेमिक रिंकल्स हैं, जैसे स्माइल करने के समय आँखों के पास रिंकल्स बनते हैं, माथे पे रिंकल्स बनते हैं, फ्राउनिंग लाइंस बनती हैं, इन लाइनों को ठीक करने के लिए बॉटलिनम टॉक्सिन सबसे टॉप पे है, मोस्ट फेवरेबल थिंग है एंड मोस्ट सेटिस्फाइंग टू पेशेंट्स। देन कमिंग टू स्टैटिक लाइंस, जो नेजोलेबियल फोल्ड कहते हैं इसको, नाक से मुंह तक जो लाइन आ जाती है, या यहाँ से ये मैरिनेट लाइंस कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ और नेक जो है लूज़ हो जाती है स्किन, इन सब में फिलर्स का बहुत अच्छा रोल है। अगर स्किन लूज़ हो गई है, जिसमें हम लोग फेस लिफ्टिंग की बात करते हैं, तो स्किन टाइटनिंग करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद ले सकते हैं और लेज़र की मदद ले सकते हैं। फ्रैक्शनल लेज़र से हम पूरे स्किन को रिज्यूविनेट कर सकते हैं, और ये सब टेक्नोलॉजीज इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि आप एक या दो सेशन में ही अपनी स्किन की, त्वचा की उम्र को 5 साल तक यंगर दिखा सकते हैं। तो काफ़ी लोग खुश होकर के जाते हैं और अविश्वसनीय भी लगता है उनको फिलर्स। हाँ, मिरेकल कैसे, यस। और फिलर्स की लाइफ 6 ईयर्स तक भी होती है, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 6 ईयर्स तक काम करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। इसके अलावा फिर से मैं वही बात कहूँगी कि आपका खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हेल्थ को डिफाइन करते हैं कि फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वही ब्यूटी में भी लागू होता है कि एक पर्सन ब्यूटीफुल तभी दिखेगा जब उसका
फिज़िकली वो फिट हो और मेंटली एट पीस हो, शांत हो, खुश हो, एक उसके अंदर आत्मविश्वास हो, आत्मसंतुष्टि हो, जीवन से खुश रहे वो, तब वो पर्सन ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल लगने लगता है। और अगर कोई कितना भी खूबसूरत है अगर उदास है तो नेचुरली आप भी देखोगे कि वो खूबसूरत नहीं दिख रहा होता है, वो कुछ दुख यस कुछ पार्ट मिसिंग होता है। तो डेली फिजिकल एक्सरसाइज का भी बहुत रोल होता है, इससे पॉजिटिव हॉर्मोन्स बनते हैं बॉडी में जो आपकी स्किन को, और स्वेटिंग होती है एक्सरसाइज के टाइम पे तो वो भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्सफोलिएशन होता है। इसके अलावा बॉडी की सर्विसिंग कह सकते हैं इसको आप, इसमें हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की मदद लेते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट ऑयल्स और सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं नेचुरली जो मिलते हैं प्रकृति में, उनकी मदद से हम लोग लिवर और किडनी की क्लिंजिंग करते हैं। उसके बाद आपका पूरा सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपके फेस पे भी ग्लो आता है, आप लाइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एंटी एजिंग की हमने बात की और अब आइए बात करते हैं डॉक्टर से आगे भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हमें भी पता है कि आप किन किन प्रॉब्लम से जूझती हैं, क्या क्या फेस करती हैं, टेंशन में रहती हैं, सारी चीज़ों की बातें हम अभी आपसे करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर ओन शो मैं खूबसूरत हूँ आई एम ब्यूटीफुल में, और हम बैठे हैं द ग्लो क्लिनिक में। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रभा से और जानते हैं कि और क्या क्या खास है जिनको जानकर, समझकर और अप्लाई करके आप और भी खूबसूरत दिख सकती हैं। डॉक्टर एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, सुंदरता के मायने, सुंदरता को आंका जाता है गोरेपन से, ये बात आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, दादी नानियाँ भी ये बात कहती चली आ रही हैं कि अगर किसी का रंग गोरा है तो वो सुंदर है, भले ही उसके फीचर्स इतने शार्प ना हो, भले ही उसकी ब्यूटी उसकी स्किन में इतना ग्लो ना हो, लेकिन अगर वो गोरा है तो उसको सुंदर माना जाता था और माना जाता है भी। तो ऐसे में आप भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि हाँ मुझे गोरा बनना है, मुझे सुंदर देखना है ताकि मैं भी लोगों के सामने मतलब प्रेजेंटेबल हूँ, गोरे लगने से शायद उनको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ऐसे में आप कैसे इस प्रॉब्लम को लोगों से दूर करती हैं, क्या सलाह देती हैं? ठीक कहा अंकिता तुमने, मेरे पास बहुत लड़कियाँ आती हैं जो गोरा होना चाहती हैं, उनको गोरा रंग चाहिए। उस केस में मैं ये कहती हूँ उनको कि जो एक प्राकृतिक रंग आपको ईश्वर से मिला है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ जो सन की वजह से डैमेज होता है और नॉर्मली जो हमारा फेस का कलर होता है उससे एक से दो टोन हम उसको फेयरर बना सकते हैं। उनका मैं यूजुअली सन कवर्ड एरियाज देखती हूँ, जैसे चेस्ट एरिया है या ये फोर आर्म का अंदर वाला पार्ट जो होता है, ये सन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अगर उसका कलर लाइटर है फेस के स्किन के कलर से तो हम उसको उतना उस लेवल तक ला सकते हैं, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड कलर था और ये जो अभी टैनिंग हुई है ये सन की वजह से हुई है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं केमिकल पीलिंग की या लेज़र, फ्रैक्शनल लेज़र की मदद से उसको लाइट कर सकते हैं उस टोन को, और मेंटेन करने के लिए उनको सनस्क्रीन का प्रयोग और सन प्रोटेक्शन करना चाहिए, दुपट्टे स्टोल का प्रयोग करें, हैट का प्रयोग करें, डायरेक्ट धूप में ना जाएं और सनस्क्रीन का नियमित इस्तेमाल करें, तो वो उस टोन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ अब एक काले रंग को बिल्कुल हम फेयर नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात तुमने कही कि गोरा होना चाहते हैं, इसमें एक सर्वे किया गया था तो उसमें ये पाया गया कि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि उस रंग को नहीं बदला जा सकता है, तो उसमें क्या होता है कि इवन टोन नहीं होता है फेस का, वो चीज़ ज़्यादा ख़राब लगती है, बजाय इसके कि अगर एक इवन टोन है पूरे फेस का और बाकी बॉडी पार्ट का भी कलर एक है और वो मेंटेन्ड हेल्दी स्किन है तो उसमें एक ऑटोमेटिक ग्लो होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रंग बिल्कुल सफ़ेद दूधिया ही हो आपका, बल्कि विदेशों में तो आजकल टैनिंग का बहुत, ब्रॉन्जिंग का फैशन है, तो ऐसा नहीं है कि वाइट कलर ही अच्छा होता है, और बल्कि वाइट कलर की स्किन में तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर वैंसर की संभावनाएँ कंपैरेटिवली ज़्यादा भी होती हैं, तो उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, और स्पॉटलेस स्किन अगर है तो, अगर बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं भी है तो भी वो खूबसूरत दिखता है।
और मिनरल्स और विटामिन्स का बहुत रोल है फेस को इवन रखने में, स्लीप का रोल है, तो डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं उनको करेक्ट करना ज़रूरी है, और अक्सर पेरियोरल एरिया में लिप्स के आसपास में टैनिंग ज़्यादा रहती है, फोरहेड पे टैनिंग ज़्यादा होती है, तो ये हम कुछ सावधानियाँ जैसे मैंने बताया सन प्रोटेक्शन करके और ये ट्रीटमेंट्स की मदद लेकर के, केमिकल पील और लेज़र वगैरह की मदद लेकर के उनको करेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए विटामिन ए और विटामिन सी के जो प्योर क्रीम्स आ रही हैं दे आर द सेफेस्ट थिंग, और बट डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी वगैरह में कोई भी क्रीम लगाने से पहले डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, डार्क सर्कल्स की बात की अभी आपने, डार्क सर्कल्स को देखा जाता है अधिकतर, हम बात करते हैं कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, अंडर आई डार्क सर्कल हो गए हैं ज़्यादा देर कंप्यूटर पर बैठने पर या टीवी ज़्यादा पास से देखने से, या मेनली हम अगर बात करें तो टेंशन लेने से या नींद पूरी ना करने से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, तो ऐसे में आप कैसे सुझाव देती हैं, कैसे इससे पेशेंट्स को छुटकारा दिलाती हैं? इसमें जैसे कि आपका सवाल का जवाब आपकी बातों में ही था कि प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं स्क्रीन के सामने, 2 घंटे 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम तो ज़रूरी है, करना ही है, बीच में ब्रेक्स लें, आँखों को थोड़ी देर के लिए बंद करके मेडिटेशन वगैरह किया जा सकता है, और कुछ हाइड्रेट करने वाले जैसे क्यूकम्बर स्लाइस वगैरह को 5 मिनट के लिए अगर रख करके 1-1 घंटे के ब्रेक पर तब काम करेंगे तो आसानी रहेगी। काम ज़रूर करें लेकिन सोने जागने का टाइम एक फिक्स कर लें, वो अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे सोइए, 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8 ही बजे सोना शुरू कर दें, लेकिन एक फ़िक्स टाइम रखें सोने का और जगने का, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करते रहें, अगर देर रात तक जग रहे हैं तो जूसेस पी सकते हैं, एप्पल एक रखिए हैंडी होता है उसको आप साफ़ करके खा सकते हैं, तो ये सब मेजर्स करके मदद मिल सकती है। दूसरा, स्लीप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, 8 आवर्स की स्लीप ये मानी गई है कि इम्पोर्टेंट है, वो लें, रोज़ नहीं हो पाती है तो वीकेंड्स पे ही उसको पूरा करें, और अगर हो गए हैं डार्क सर्कल उस केस में केमिकल पील्स की मदद ली जा सकती है, एक क्यू स्विच लेज़र से भी मदद मिलती है, इसके अलावा विटामिन के युक्त जो क्रीमें हैं वो मदद करती हैं, और प्रोनेक्सामिक एसिड एक मेडिसिन होती है उसको लेज़र के साथ जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो देखा गया है कि डार्क सर्कल लाइट हो जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ 50% डार्क सर्कल केसेस ऐसे होते हैं जिनके पीछे वो कारण है जो आपने मेंशन किए, थकान, और ये 50% डार्क सर्कल्स अगर मैं पूछती हूँ पेशेंट से कि कब से है आपको, तो वो कहते हैं मुझे जब से याद आ रहा है तब से है, दे टेक कम्प्लीट रेस्ट, पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं फिर भी डार्क सर्कल होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि वो एक्चुअल में डार्कनेस नहीं होती है, इट्स नॉट मिलानिन या जो पिगमेंट है वो नहीं है, वहाँ की स्किन पतली होने से, थिन स्किन होने से अंदर की जो वेन्स हैं उनका शेडो आता है, और इसलिए वो ऐसा लगता है कि डार्क है सर्किल, उस केस में क्रीम्स और ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं दे डोंट हेल्प, उस केस में हम लोगों को फिलर्स की मदद लेनी पड़ती है। फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड जेल होता है जिसको एक फाइन नीडल की मदद से हम जब स्किन के अंदर डालते हैं तो वहाँ की स्किन का हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है, हाइड्रेशन इम्प्रूव होने से वो थिकनेस आती है थोड़ी सी, और वो सर्किल जो डार्कनेस दिख रही है वो हॉलो जो है वो फिलअप हो जाता है और वो डार्कनेस अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। इसमें ये तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के जो जेल्स आते हैं, इसके अलावा फ़ैट ट्रांसप्लांट की भी मदद ली जा सकती है, उसमें बॉडी का अपना ही ऑटोलोगस फैट ट्रांसप्लांट कहते हैं, उसकी मदद से भी उसको हम भर सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसको लग रहा है कि स्लीप में और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है पर्सन, और उसे जब से याद आ रहा है तब से है, कई बार ऐसा भी होता है कि मदर को भी है सिस्टर को भी है, तो उस केस में फिर ये डॉक्टर्स को, कॉस्मेटिक एक्सपर्ट को कंसल्ट करके वो इसके बारे में भी जानकारी लेकर ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर, एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मशीन और लेज़र का जो आप वर्क करते हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं पेशेंट पर, कोई इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, लेज़र वैसे जो स्किन में यूज़ करते हैं हम लोग त्वचा के परेशानियों में, नॉर्मली दे आर सेफ लेज़र्स, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेगनेंसी में पहली चीज़ अवॉइड करते हैं, लेज़र्स को नहीं यूज़ करते हैं, चाहे हेयर रिमूवल हो
या दाग धब्बों की बात हो, उनको नहीं यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा लेज़र, क्योंकि रोशनी की एक किरण है, लाइट रेज हैं, तो डेफिनेटली वी डू प्रोटेक्ट आईज़ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज़ द पीपल हु आर प्रेजेंट इन लेज़र रूम, डॉक्टर एज वेल एज़ द स्टाफ, उनको स्पेशल टाइप के गॉगल्स यूज़ करते हैं ताकि वो आँखों पर कोई दुष्प्रभाव ना डालें। लॉन्ग टर्म में लोग मुझसे पूछते हैं कि आगे जाके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है लेज़र में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो पेनिट्रेशन, जो स्किन में डेप्थ होती है लेज़र बीम की, वो हार्डली 1 या 2 मिलीमीटर्स तक होती है, तो उसका कोई दूरगामी दुष्प्रभाव नहीं होता है। एक चीज़ जो CO2 और अर्बियम लेज़र होते हैं, क्योंकि वो कटिंग लेज़र होते हैं, वो स्किन को रिसर्फेसिंग करते हैं, तो उसके बाद सन प्रोटेक्शन स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि अगर धूप से बचाव नहीं करने की स्थिति में, वो PIH कहते हैं उसको, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो ब्राउन पैचीनेस जैसी हो सकती है, जिसको जाते जाते 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं कभी कभी, तो उसको बचाने के लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट कराने के बाद आप धूप से पूरा जितना संभव हो उतना बचाव करें, रेगुलर सनस्क्रीन का प्रयोग करें, बस एक यही है, और एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। तो सुना आपने, डॉक्टर प्रभा सिंह हमसे कितनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रही थी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें बता रही थी, लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें बता रही थी, बैलेंस डाइट, वर्कआउट्स, एक्सरसाइज, सबके बारे में आपने सुना। आइए और बात करते हैं डॉक्टर से, एक बात आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ये चल रखा है अनवांटेड हेयर्स का, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या शेयर करना चाहेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा हमारे व्यूवर्स से शेयर कीजिए। अंकिता, ठीक कहा तुमने, जो एक इवननेस की भी मैंने बात की थी कि स्किन अगर इवन होती है तो अगर उसका कलर बहुत फेयर ना भी हो तो भी वो खूबसूरत दिखती है। इस अनइवननेस में हेयर्स का भी रोल होता है। तो टेम्प्ररी मेथड्स में हम लोग यूज़ करते हैं ब्लीचिंग का की मदद लेते हैं, थ्रेडिंग और वैक्सिंग वगैरह कराते हैं। इसमें अब परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी दिन से चर्चा में है। अभी तक जो लेज़र थे उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि रिजल्ट्स कम आते थे, 10-15 बार तक करना पड़ता था, और उसके बाद भी 40-50% तक ही इम्प्रूवमेंट होता था, रिडक्शन जो होता था, और उसके साथ में लेज़र की वजह से कभी स्किन बर्न हो जाता है, उसमें दाग वाग पड़ जाता है। लेटेस्ट एडवांसमेंट इन दिस